दीपन, जैसा आपने खुद कहा कि ये वन ऑफ द बेस्ट अर्निंग सीजन इस समय देखने को मिला है, अब प्योरली अगर हम देखें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एपेटाइट तो है मार्केट में, यहाँ से अपसाइड आप कितनी देख रहे हैं इसी मोमेंटम में मार्केट में? दीपन, जैसे मैंने कहा, अगले दो तीन महीने में आई थिंक 4-5% इंक्रीज वैकेंसी। मिस्टर नन्ना, इनफैक्ट जो दीपिन जी ने बात की, आई मीन जो जीएसटी की बात, आई मीन राज्यसभा के जो इलेक्शन है, जो उनके एग्जैक्ट नंबर्स आएंगे, आई थिंक ये सारे के सारे पूरे लॉजिस्टिक्स स्पेस को अगर आप देखें फ्रंट फुट पे खड़ा कर रखा है। आई मीन लुक एट गति, अलकार्गो लॉजिस्टिक्स, TCI, आपका सर इंटरेस्ट है इस स्पेस में, लॉजिस्टिक्स में इस वक्त, या फिर आई मीन क्या इंटरेस्ट रखना चाहिए, एक दो स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए इस स्पेस से? लॉजिस्टिक्स स्पेस के लगता है कि ये प्रश्न अटेंडेंट मिस्टर हनन आपके लिए था जी। तो इवेंचुअली अगर जीएसटी पास होता है तो उसमें साल दो साल के बाद काफ़ी प्रभाव पड़ेगा कि किस तरह से कंपनियां अपना सामान रखती हैं, कहां पर स्टोर करती हैं और किस तरह से ट्रांसपोर्ट करती हैं। उसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर सेंट्रल जीएसटी ज़्यादा बढ़ा रहेगा तो फिर से आपको वो आर्बिट्राज नहीं मिलता है, आई मीन आर्बिट्राज फिर भी रह जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक्स में फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन अज्यूमिंग दैट परफेक्ट जीएसटी आता है और रीस्ट्रक्चरिंग हो जाती है अपने सप्लाई चेन की, तो ज़रूर लॉजिस्टिक्स कंपनी को फ़ायदा रहेगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये इंडस्ट्रियल कंपनियाँ जो हैं वो इतना फ़र्क नहीं होने देंगी, उनके ऊपर प्राइसिंग प्रेशर भी रहेगा और ये काम जो है कम से कम नहीं तो 12 से 18 महीने जीएसटी पे करने के बाद ही हो सकता है, क्योंकि आपको प्लान करना है, इम्प्लीमेंट करना है, उसके बाद ही चेंज करना है। तो जिस तरह से आज के दिन कंपनियां बढ़ रही हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अर्निंग्स को सपोर्ट करेंगी। तो अभी फ़िलहाल मोमेंटम है, इसलिए ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये शायद सेल ऑन न्यूज़, सेल ऑन बाय ऑन रूमर, सेल ऑन न्यूज़ का की बात हो जाए, क्योंकि वैल्यूएशन जो है फ्रंटलाइन कंपनीज के बहुत चीप नज़र नहीं आ रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल। चलिए इस बीच एक बार देख लेते हैं, निफ्टी अभी 8200 के ऊपर भी निकला था, फिलहाल 8198 पर है। दीपन, आपने जैसे कहा कि अर्निंग सीजन अच्छी थी, इसमें सबसे अच्छे नतीजे आपको कहाँ पर लगे, जहाँ पर आपने रिजल्ट्स के बाद एक्सपोजर बढ़ाया हो, एडिशनल इन्वेस्टमेंट की सलाह दी हो? आई थिंक ऑटो एंसिली के नतीजे बहुत ही अच्छे आए हैं, उसके अलावा सीमेंट के नतीजे भी अच्छे आए हैं, फार्मास्यूटिकल सेलेक्ट और टेक्नोलॉजी सेक्टर के भी नतीजे काफ़ी अच्छे आए। आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड देखेंगे तो वेर वी हैव सीन वेरी गुड नंबर्स, और PSU बैंक्स के अलावा आई थिंक सभी क्षेत्र में अच्छी सारी ग्रोथ हमने देखी है। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मैनेजमेंट की जो कॉन्फिडेंस है, उनकी जो कमेंट्री है फॉर द नेक्स्ट ईयर, दैट इज़ लुकिंग एक्सट्रीमली पॉजिटिव, और सभी यही कह रहे हैं कि अगर मानसून अच्छा जा रहा है तो वी हैव सीन गुड पिकअप, एंड दैट गुड पिकअप में रिजल्ट इन ग्रेट पिकअप गोइंग फॉरवर्ड, और ऑपरेटिंग मार्जिन आर डूइंग बेटर बिकॉज ऑफ लोअर कमोडिटी प्राइसेस। केवल जो एक्सपोर्ट रिलेटेड इश्यूज है, आई थिंक दैट इज द ओनली थिंग विच इज होल्डिंग बैक इंडस्ट्री, बट अदर देन दैट आई थिंक वी आर सीइंग वेरी गुड ऑप्टिमिज्म कमिंग थ्रू इवन फ्रॉम ऑल इंडस्ट्रीज विद द एक्सेप्शन ऑफ PSU बैंक्स। आदित्य, इस बीच चलिए थोड़ा सा निफ्टी 50 बात करते हैं। अभी आज के अगर आप स्ट्रेंथ वाले पॉइंट्स को देखें, इंडिसेस में जो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है कोल इंडिया, अगर आप देखिए ऑलमोस्ट 11 रुपये ऊपर 308 क्लस्टर में, द मोस्ट एक्टिव स्टॉक विद इन द बास्केट ऑफ आई मीन डेरिवेटिव स्टॉक्स, आई मीन FNO में जो है शामिल। उसके बाद आप देखिए आइडिया, इनफैक्ट सीरीज की लास्ट सीरीज के एक्सपायरी से पहले ही आप देखिए, और उस एक्सपायरी के वीक में जो शॉर्ट होल्डर थे आदित्य, इस पर कंफर्टेबल नहीं थे, ये पूरा शॉर्ट कवरिंग का दौर चला। आप देखिए शॉर्ट कवरिंग के दौर में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 105 के क्लस्टर से 118-117 के क्लस्टर में आ गया। इन दोनों काउंटर्स में से कुछ पिक करना हो, आइडिया में से या फिर कोल इंडिया में से, तो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे आप? वेल, अगर दोनों स्टॉक्स में से एक पिक करना हो तो कोल इंडिया इस समय यहाँ से प्रेफर पिक रहेगा। स्टॉक देखें तो काफ़ी टाइम से एक रेंज में चल रहा था, 270 से लेकर 295 का एक रेंज था, 300 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। स्टॉक ने उसको ब्रेक किया है आज के सेशन में, उसके ऊपर काफ़ी कन्विंसिंगली ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग पोजिशन जरूर अभी तक हमने बनते हुए नहीं देखे स्टॉक के अंदर, अभी तक केवल शॉर्ट कवरिंग के चलते ही स्टॉक ऊपर चल रहा है, लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्चर स्टॉक का काफ़ी अच्छा हो गया है। हमको लगता है कि यहाँ से कोल इंडिया में 330 तक के लेवल देखे जा सकते हैं, तो करंट लेवल से भी कोई इसमें लॉन्ग बनाकर चल सकता है। अगर इसमें एक आध दिन में कोई गिरावट आती है, स्टॉक वापस 305 या 300 के आसपास आता है, तो वापस इसके अंदर लॉन्ग बनाकर चल सकता है।
इसके कंपेरेटिवली में अगर आइडिया को देखें तो आइडिया में ऊपरी स्तर पे अब 120-125 की रेंज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा अपसाइड हम आइडिया में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हमको लगता है कि 120-125 की रेंज में आता है तो इसके अंदर जिसके पास लॉन्ग पोजिशन है तो उसे प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। बिल्कुल, ले कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहाँ पर आज इंटरेस्टिंग मूव इस समय देखने को मिल रहा है। इन स्टॉक्स में एक तो व्हील्स इंडिया है, ये करीब 19% ऊपर काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज ट्रेड कर रहा है, इस पर नज़र रख सकते हैं। प्रिकॉल और एक काउंटर है जो कि 15% ऊपर है, साथ ही आडवाणी होटल्स है जो कि 12% ऊपर है, वीनस रेमेडीज़ 11% ऊपर है, और शुगर इस काउंटर पर 10% का मूव है, अपर गैंजेस शुगर ये करीब 10% ऊपर है, और स्टॉक्स जिसमें अच्छा मूव है इसमें क्रॉम्पटन ग्रीव्स है जो कि करीब 9% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। लेकिन मिस्टर टंडन, ये जो शुगर स्पेस है आज हालांकि सिलेक्टिव मूव है, बट लुक एट दी स्टॉक्स, और शुगर, अपर गैंजेस शुगर, धारिणी शुगर, इन सब पर इंटरेस्टिंग मूव है। ओवरऑल शुगर स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या है आनंद? देखिए, इस वक्त मैं शुगर के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा, ऑलरेडी इसमें काफ़ी बढ़त आ चुकी है और भले इस साल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस होने की उम्मीद है, लेकिन ये ना तो प्रिडिक्टेबल है और ना ही ये गवर्नमेंट, ना ही ये इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं कि अगले साल क्या होगा। तो हर साल उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़्यादा रहता है, प्राइसेस जो है कमोडिटी की तरह कभी भी चेंज हो सकते हैं, तो इसमें आपको निवेश नहीं कर सकते, आप ट्रेड ज़रूर कर सकते हैं। मोमेंटम अगर आपके साथ है तो निवेश आप उसमें ट्रेड कर लीजिए, लेकिन इस वक्त मुझे काफ़ी सारे ऐसे क्षेत्र नज़र आ रहे हैं जैसे आपने ऑटो एंसिलरी कहा कि जहाँ पर थोड़ा सेक्युलर ग्रोथ होने की ज़्यादा संभावना है, जहाँ पे मैं ज़्यादा अर्ज करूँगा लोगों को देखने के लिए। एग्जैक्टली, आपने इनफैक्ट अभी फॉर द टाइमिंग शुगर्स पे अपना व्यू यही दिया है कि फॉर द टाइमिंग अवॉइड ही करिए शुगर को, लेकिन बाकी अगर आप देखिए आई मीन वो सेक्टर्स, वो स्पेस जो कि एग्रीकल्चर स्पेस से जुड़े थे, आई मीन क्योंकि हम अच्छे मानसून की बात कर रहे हैं, आई मीन लेट्स थिंक अबाउट फर्टिलाइजर्स हो गया, एग्रोकेमिकल्स हो गया, इरीगेशन स्टॉक्स हो गए। दीपन जी, आपके अप्रोच इन स्टॉक्स में क्या है? आई मीन मिड कैप में बीते 1.5-2 महीने में लोगों ने इस फ्लेवर पे जो काम किया है वो पैसा बना के निकले हैं, लेकिन क्या वाकई ये सीरियस और सस्टेनेबल मूव है, इस स्टोरी पे बिलीव करना चाहिए? आई थिंक सो। आई थिंक जितनी भी एग्रोकेमिकल कंपनीज है जैसे कि UPL है या PI इंडस्ट्रीज ने देखा है, फिर दानों का है, एग्रोटेक एग्रोकेमिकल्स भी है, डिस्पाइट काफ़ी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के बावजूद उन्होंने काफ़ी अच्छे नंबर्स दिए हैं, काफ़ी अच्छे आंकड़े आए हैं फॉर द मार्च क्वार्टर, एंड दे आर डेफिनेटली डिपेंडेंट ऑन दी मानसूनस। अगर मानसून अच्छा आता है तो आई थिंक दे विल बी एबल टू एक्सीडिंगली वेल ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और सो। और इन कंपनियों ने धीरे धीरे काफ़ी एक्सपोर्ट पर भी ध्यान दे के दे आर बिल्ट अ गुड एक्सपोर्ट मार्केट ऑल्सो फॉर देयर प्रोडक्शन, एंड दैट इज़ हेल्पिंग देम इवन आउट जो भी ज़्यादा वॉलेटली रहती है इन द डोमेस्टिक मार्केट, दैट गॉट इवन डाउट बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट बिजनेस दैट दे हैव अंडरटेकन। सो येस, वेरी वेरी पॉजिटिव ऑन द एग्रोकेमिकल बिजनेस, मोर देन इवन द फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर एक साइक्लिकल बिजनेस है, दैट इज मोर डिपेंडेंट ऑन द मानसूनस रादर दैन यू नो एक्सपोर्ट मार्केट और यू नो वेर वेरियस अदर बिजनेसिस और सेगमेंट्स विच आर देयर। सो विद इन द एग्रोकेमिकल स्पेस, फर्टिलाइजर स्पेस, आई थिंक बेटर टू गो विद एग्रोकेमिकल कंपनीज़।